हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स किसे कहते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स किस प्रकार से और किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, इनके बारे में पढ़े थे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो क्लास का। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। फर्स्ट है इजी एस्टेब्लिशमेंट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को आप आसानी से जो है सेटअप कर सकते हैं। मिनिमम 10 कंज्यूमर्स या जो मेंबर्स होने चाहिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स को सेटअप करने के लिए, और इसके बाद आसानी से आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी जो बहुत सारी जो एक प्रकार से असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, यानी इजीली जो 10 व्यक्ति मिलकर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक बेसिस पे है। 1 person 1 vote, ठीक है ना, यानी 1 person 1 vote के आधार पर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका जो चुनाव किया जाता है, और जो मैनेजमेंट कमेटी है वही कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को है मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, और उससे रिलेटेड जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है चीप एंड सुपीरियर प्रोडक्ट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो स्टोर्स है वो एक प्रकार से जो कम से कम प्राइस पर और सुपीरियर क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो अपने कंज्यूमर मेंबर्स को उपलब्ध करवाते हैं। और नेक्स्ट है स्प्रिट डी कॉप्स, ठीक है ना। स्प्रिट डी कॉप्स का मतलब क्या है कि उनके अंदर एक प्रकार से वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन का जो एक प्रकार का जो स्प्रिट है उनका, कि सभी एक के लिए और एक सब के लिए, ठीक है ना, सब एक के लिए एक सब के लिए, यही भावना के आधार पर इस प्रकार के कोऑपरेटिव स्टोर्स की स्थापना की जाती है। यानी सभी मेंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए, जिसको हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के नाम से जानते हैं। और फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के माध्यम से जो भी उसके मेंबर्स हैं उनकी हेल्प की जाती है, यानी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है वो उनको चीप रेट पर कम से कम प्राइस पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी इन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जनरली जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वो उनके मेंबर्स के द्वारा ही जो है मैनेज किए जाते हैं, गवर्न किए जाते हैं, ठीक है ना। जो कमेटी के अंदर जो जनरली मेंबर्स ही होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर, तो इसलिए जो उनका मैनेजमेंट है वो पे जो खर्च आता है, एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम है। नेक्स्ट है सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। जनरली जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनका जो टारगेट है, एक प्रकार से उनका टारगेट कंज्यूमर है वो उनके मेंबर ही हैं, उन्हें किसी प्रकार के जो अदर कंज्यूमर्स को टारगेट करने का या जो उनको इंफॉर्मेशन देने का, उनके लिए एडवर्टीजमेंट करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो केवल उसके मेंबर्स को कम प्राइस पर और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने का ही है, और बिना किसी विदाउट एनी यूज ऑफ मिडलमैन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे जो एक प्रकार से जो स्कीम्स है वो चलाई जाती है और गवर्नमेंट हेल्प करती है। कई बार गवर्नमेंट जो लोन पर सब्सिडी वगैरह भी प्रोवाइड करती है, और इंटरेस्ट में सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकती है, और जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होता है जो गुड्स है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से स्टोर में तक पहुंचाने के लिए, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हो सकता है कि कुछ उनको रियायत दे। नेक्स्ट है मिनिमम डेड स्टॉक। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में क्या होता है, जनरली वही वस्तु या वही प्रोडक्ट या गुड्स है प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से बाय की जाती है, जिनकी डिमांड उनके मेंबर्स के द्वारा की जाती है, कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती है।
किसी भी प्रकार की एक प्रकार से अदर जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से नहीं मंगवाते हैं, और ऐसे में क्या है कि उनके पास कोई डेड स्टॉक भी नहीं बचता। डेड स्टॉक का मतलब कि बिना बिके हुए कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स है वो नहीं रहती, क्योंकि जैसा कस्टमर या जो उनके मेंबर है जिस प्रकार की उनकी नीड है किसी प्रोडक्ट या गुड्स के बारे में, वही प्रोडक्ट या गुड्स वो मैन्युफैक्चरर से एक प्रकार से बल्क में खरीदते हैं, फिर अपने जो मेंबर हैं उनको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सेल करते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन परचेज, और जो डिविडेंड है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में, डिविडेंड का मतलब जो उनका प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो डिविडेंड के रूप में करते हैं। और डिविडेंड किस बेसिस पर दिया जाता है, जितना कि मेंबर्स ने परचेज किया है, यानी जितना परचेजिंग करेंगे, जितना शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग या परचेजिंग कहाँ से करनी है उसी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से करना है जिसके कि वो मेंबर है। तो एक प्रकार से जो परचेज रेशियो के आधार पर जितना उन्होंने परचेज किया है उसके आधार पर उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश सेल्स, ये बहुत बड़ी इसकी बात है कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उसमें किसी भी प्रकार का जो बैडेट्स का सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जितनी भी सेल की जाती है वो सभी सेल एक प्रकार से जो कैश में की जाती है, नगद की जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। अब हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के जो डिसएडवांटेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जनरली कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मैनेजमेंट है वो उस स्टोर्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है एक मैनेजमेंट कमेटी के रूप में, और उन्हें क्या है कि जो एक प्रकार से जो बिजनेस को मैनेज करने के बारे में जानकारी नहीं होती, और ना ही उनके पास किसी प्रकार की जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो एजुकेशन या ट्रेनिंग की आवश्यकता है वो इनके पास होती है, और इस वजह से जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है लिमिटेड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उसमें जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, केवल कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के मेंबर्स ही इस प्रकार के जो स्टोर्स हैं वहाँ से प्रोडक्ट हैं वो बाई करते हैं, परचेज करते हैं, और इस कारण से जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है इनका जो स्कोप है वो एक प्रकार से जो लिमिटेड है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेंबर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका जो है उसको इलेक्ट किया जाता है, फॉर्म की जाती है मैनेजमेंट कमेटी, और उसके द्वारा फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनका मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाता है। अब क्या होता है कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के जो मैनेजमेंट कमेटी है वो जनरली क्या है एक प्रकार से जो उनके उसमें एक प्रकार से जनरली क्या है करप्शन चलता रहता है, और जो मेंबर्स होते हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो एक प्रकार से जो लोग कार्य करते हैं मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के आधार उनका जनरली क्या होता है सिलेक्शन हो जाता है और वो इलेक्ट हो जाते हैं उस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। जो योग्य एक प्रकार से जो एलिजिबल है या फिर जो ऑनेस्ट है ऑनेस्टी के आधार पर जो लोगों का जनरली क्या है इलेक्शन जो है सिलेक्शन नहीं होता मैनेजमेंट कमेटी में, तो इस प्रकार से ये एक्सप्लॉयटेशन भी कई बार देखने को मिलता है। और इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे जो आप जो लोकल टाउन्स के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो अपने मेंबर्स को जो फार्मर्स मेंबर होते हैं उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो कई बार क्या है इस प्रकार के जो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है किसी मेंबर्स को ज़्यादा जो है एक प्रकार से कम रेट पर जो है फंड प्रोवाइड करते हैं या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ जो अदर जो मेंबर्स हैं उनके साथ किस पर कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जनरली देखा जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्कोप। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं
वो जनरली जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं, केवल उन्हीं में डील करते हैं। इसके अलावा जो ड्यूरेबल गुड्स वगैरह है उसके अंदर वो डील नहीं करते। तो ऐसे में जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रोडक्ट बाहर से भी परचेज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इनएक्टिव इन डिप्रेशन। देखिए इकोनॉमी का एक प्रकार से इन्फ्लेशन और डिप्रेशन दो प्रकार का जो सिचुएशन है। इन्फ्लेशन के अंदर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और डिप्रेशन के अंदर जो प्राइस है वो कम हो जाता है। इन्फ्लेशन के अंदर जनरली जो मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ता है और जो सप्लाई साइड होती है वो एक प्रकार से उसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से खरीदना ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाता है। दूसरी तरफ जब डिप्रेशन की बात करें, मंदी का दौर की बात करें, तो ऐसे में जो कंज्यूमर है वो लोकल शॉप से ही परचेज कर लेते हैं अपनी जरूरत का सामान और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से खरीदना उचित नहीं समझते। इसलिए डिप्रेशन के टाइम पर जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है उनका जो रोल है वो एक प्रकार से कम हो जाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स है वो जनरली जो उसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है और इसीलिए क्या है कि एक प्रकार से उन बिना वेतन के, ठीक है ना, विदाउट सैलरी, विदाउट एनी रेम्यूनरेशन जो उसके मेंबर्स है वो उसको मैनेज करते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपना जो इंटरेस्ट है, एंथुजियाज्म है बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो नहीं शो करते, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म की जाती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को सेटअप करने के लिए, वो मैनेजमेंट कमेटी है वो एक प्रकार से उसमें बहुत कम जो योग्य जो है एक प्रकार से कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, बल्कि जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं मोस्टली जो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने रिलेशन की वजह से मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होते हैं और इसी कारण से वो अच्छे तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से उसको मैनेज भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है उसको जनरली जो अपने मेंबर्स के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूटेड किए गए फंड पर या जो कैपिटल है उसी पर डिपेंड रहना पड़ता है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम होता है और ऐसे में स्टोर्स को बहुत सारे जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर जो मेंबर्स हैं वो एक प्रकार से जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो बहुत कम शो करते हैं। जिस प्रकार से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सिंगल ओनर होता है वो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे जो एफर्ट्स करता है और उसमें इंटरेस्ट जो है शो करता है, परंतु इस प्रकार का जो इंटरेस्ट है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए एक तरफ जहां गवर्नमेंट कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स एस्टेब्लिश करने के लिए जो है लोगों को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में बहुत ज़्यादा है। कई बार जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंदर भी गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं ये आपको मैं एक दो नाम बताना चाहूँगा, ये बहुत ही पॉपुलर जो स्टोर्स हैं और सबसे सक्सेसफुल स्टोर्स में से एक है, जिसमें अमूल कोऑपरेटिव जो स्टोर जो सोसाइटी है वो एक तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। लिज्जत पापड़ वो भी एक एक प्रकार के जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत नाम है कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य कर रहे हैं और जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको एक तरीके से टफ कंपटीशन दे रहे हैं।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के जो जैसे इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनके स्लो डेवलपमेंट के पीछे क्या कोज है, क्या कारण है और किस प्रकार से इंडिया में जो कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनके डेवलपमेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।